अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में हम करेंगे अनदर टॉपिक ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दैट इज पावर ऑफ अ लेंस। टेक्स्ट बुक के अंदर बच्चों बड़ी सुपरफिशियल बातें लिखी हैं, हमें गहराई के अंदर जाना है। कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, डिटेल से समझना है, आगे भी चलना है ये कॉन्सेप्ट, तो आज का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। बच्चों पावर ऑफ लेंस की बात करने के लिए मैंने आपके व्हाइट बोर्ड पे देखिए, अगर कन्वेक्स लेंस दो ड्रॉ किए हैं और दो कनकेव लेंस ड्रॉ किए हैं। लेंसेज के मतलब हम जान चुके हैं, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, इसकी दो बड़ी टाइप्स हैं जो ज़्यादातर हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैंने ये जानना है पावर ऑफ अ लेंस क्या है। ये मिसअंडरस्टूड होता है अक्सर ये टॉपिक, इसे डिटेल से और अच्छे कॉन्सेप्ट बनाइएगा। डेफिनेशन मैं आपको बता दूं पहले सबसे, हाउ मच अ लेंस फोकसेस द पैरेलल रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। अक्सर ये समझा जाता है कि जिस लेंस की फोकल लेंथ बड़ी होगी उसकी पावर भी ज्यादा होगी। ऐसा नहीं है। जितना कोई लेंस लाइट रेज को, पैरेलल रेज को जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं, जितना कोई लेंस उसको ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा, ज़्यादा बेंड करेगा, ज़्यादा फोकस करेगा, उतनी उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे आप देखिए, ये एक आपके पास एक लेंस है जिसके प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, टर्मिनोलॉजीज वाले टॉपिक में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। इसके पैरेलल रेज आ रही हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, यहाँ पेंसिल पड़ी थी या कोई जिस्म पड़ा था उससे रोशनी की रेज आ रही हैं। ये रेज जब इस लेंस पे पड़ी तो इस लेंस ने क्या किया, उन्हें मुनक्कस कर दिया, उन्हें इकट्ठा कर दिया, और इकट्ठा कुछ इस तरह से किया कि इस जगह पे उन्हें सारी रेज को, क्योंकि कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस हम जानते हैं, उस सारी रेज को यहाँ पे एक रे ये भी होगी, इस रे को भी क्या कर देगा, इस पॉइंट पे इकट्ठा कर देगा। ये जो पॉइंट है जहाँ ये रेज इकट्ठी होंगी, इस पॉइंट का नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस पे इन सारी रेज को क्या करेगा, बेंड करके इस तरफ मोड़ देगा, और सारी रेज जो जिस तरफ मर्जी आ रही थी, पैरेलली आ रही थी, उनको बेंड कर देगा किस तरफ, एक पॉइंट की तरफ, और वो सारी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस, हमने पढ़ा था। अब ये जो फासला होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस का फासला, इसे कहा जाता है फोकल लेंथ। अब ज़रा देखिए, इस लेंस ने बहुत ज़्यादा इन रेज को कन्वर्ज किया है, बेंड किया है, और करीब ही अपने लेंस के करीब ही इन्हें फोकस कर दिया है। फर्ज करिए इसकी जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, मतलब 10 सेंटीमीटर दूर इसने सेंटर ऑफ कर्वेचर से 10 सेंटीमीटर दूर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्केल रख के देखा, इस जगह से इस जगह तक 10 सेंटीमीटर के दूर ही इसने रेज को बेंड करके यहाँ जोड़ दिया, इकट्ठा कर दिया। अब जरा एक और देखिए, एक और लेंस है, ये लेंस कन्वेक्स लेंस ही है, साइज में थोड़ा सा बड़ा है, मोटाई में बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा चेंज है। जब इस पे लाइट रेज आके पड़ी तो इस लाइट रेज को इसने भी बेंड किया, इसने भी कन्वर्ज किया एक पॉइंट की तरफ, लेकिन इसने किस तरह से किया, इसने इन रेज को थोड़ा सा दूर जाके, इसकी बेंडिंग उसकी निस्बत क्या है, इसने लाइट रेज को उसकी निस्बत थोड़ा बेंड किया, थोड़ा बेंड किया, इसीलिए तो वो रेज करीब की बजाय कहाँ जाके बेंड हुई हैं, दूर जाके बेंड हुई हैं। ये इसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। आप जानते हैं कि रेज यहाँ रुकती नहीं है, आगे चलती जा रही होती हैं, लेकिन इस जगह पे सारी एक दफ़ा इकट्ठी ज़रूर होती हैं, दैट इज़ प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से लेके यहाँ तक फासला क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ। फर्ज करिए मैंने फोकल लेंथ मेजर की तो इसका आंसर आया 20 सेंटीमीटर। यहाँ स्केल रख के देखा जहाँ पे लाइट फोकस हो रही, और ये बकायदा से फोकस बच्चों स्क्रीन पे बनता है। स्क्रीन मतलब कोई भी आप वाइट बोर्ड, कोई भी आप स्क्रीन सामने रखें, वहाँ पे ये फोकस लाइट यहाँ पे फोकस होती नज़र आएगी। तो ये फोकस की वैल्यू, फोकल लेंथ जब मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये मापी तो 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। अब मैं यहाँ से आपसे पूछता हूँ किस लेंस की पावर ज़्यादा है। श्योर, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग तो पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी, जिसने रेज को ज़्यादा बेंड कर दिया, करीब ही बेंड कर दिया, उस लेंस की ज़रूर पावर ज़्यादा है। इसीलिए तो उसने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से रेज को जो पैरेलल आ रही थी बेंड करके मोड़ दिया और करीब ही फेंक दिया, इस जगह पे फोकस कर दिया। इसका मतलब जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, उसकी पावर ज़्यादा है।
अब इसको फार्मूले से भी जस्टिफाई करते हैं बच्चों, पावर ऑफ लेंस को पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फोकल लेंथ के साथ ताल्लुक कुछ इस तरह से है, बोथ आर रेसिप्रोकल, पावर ऑफ अ लेंस और फोकल लेंथ एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आइए इसकी पावर मालूम करते हैं। जब मैं इसकी वैल्यू दर्ज करूंगा 1/10, अब जरा देखिए यूनिट यहाँ सेंटीमीटर है, याद रहे मैंने इसे एसआई यूनिट के अंदर लिखना है ताकि ये आंसर जो है एसआई यूनिट के अंदर आए। तो 10 सेंटीमीटर को जब मीटर बनाऊंगा, 100 से डिवाइड कर लीजिए 0.1 मीटर, इसका मतलब यहाँ 10 की बजाय 0.1 मीटर लिखता हूँ, समर 0.1, इसका मतलब क्या है, आपका आंसर आ जाएगा 10, ये आपके पास आ गया 10, और यूनिट क्या आएगा, पर मीटर पावर का यूनिट। इसका एक और यूनिट भी है डाइऑप्टर, बच्चों पर मीटर जो है दैट इज इक्वल टू डाइऑप्टर, डाइऑप्टर इज एसआई यूनिट ऑफ पावर, पावर का एसआई यूनिट क्या है, डाइऑप्टर है। जैसा कि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, जैसा कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, इसी तरह से पावर का जो एसआई यूनिट है वो डाइऑप्टर है। तो हम यहाँ से पर मीटर को 10 डाइऑप्टर भी कह सकते हैं। ये आपके पास पावर आ गई किसकी, इस लेंस की, जो कि जिसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 0.1 मीटर थी, उसकी ये आपके पास पावर आ गई। अच्छा बच्चों, अब अगर मैं बात करूं इस लेंस की पावर निकालूं, इस लेंस की पावर कैसे निकलेगी, इसी फार्मूले को यूज़ कर लेते हैं, 1/f, f पहले मीटर में बनाइए तो क्या बनेगा, 20/100 0.2 करिए तो क्या बनेगा, 1/2/10 5 पर मीटर। तो ज़रा देखिए इस आंसर को, इसके आंसर को और इसके आंसर को देखिए, किसकी पावर ज़्यादा, फिर जिसकी फोकल लेंथ शार्टर है उसकी पावर ज़्यादा है, इस लेंस की पावर ज़्यादा है क्योंकि इसने ज़्यादा करीब लाइट रेज को, पैरेलल रेज को कन्वर्ज कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, मिला दिया है, जबकि इस केस में इसने दूर जाके उन्हें इकट्ठा किया, क्योंकि इसकी पावर कम थी, इसने इनको बेंड तो ज़रूर किया लेकिन वो बेंडिंग के बाद दूर जाके कन्वर्ज हुई। तो जब मैंने इसकी पावर चेक की तो वो 5 पर मीटर आई, जिसे मैं 5D भी कह सकता हूँ, डाइऑप्टर भी कह सकता हूँ। इसका मतलब डी इज इक्वल टू पर मीटर इज इक्वल टू डाइऑप्टर, मैं इसको डाइऑप्टर में लिखूंगा तो पावर क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डाइऑप्टर। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस का, पावर ऑफ अ लेंस का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से आपको समझ आ गई होगी कन्वेक्स लेंस के लिए। अब आते हैं कनकेव लेंस के लिए भी, इसके लिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों हमने पढ़ा है कनकेव लेंस तो लाइट रेज को रियल में फोकस करता ही नहीं है, उसका तो फोकस वर्चुअली है। वर्चुअली फोकस किस तरफ बनेगा, मैं देखिए बताता हूँ, ये तो लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, कोई इधर भेज देगा, कोई इधर भेज देगा, कोई इधर भेज देगा, कोई इधर भेज देगा, कोई सीधी जाने देगा, ये जो यहाँ से आएगी इधर भेज देगा, इधर भेज देगा, इधर इधर डाइवर्ज करता है अपने रास्ते से, इस तरह से साइड से मोड़ देता है बजाय उन्हें उसी रास्ते पे जाने के या इकट्ठा करने के, और बिखेर देता है। लेकिन अगर इन्हीं लाइट रेज को इकट्ठा किया जाए पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से और देखा जाए तो ये डॉटेड लाइंस एक जगह पे इकट्ठी हो रही होंगी, उस जगह का नाम वर्चुअल फोकस है, हकीकत में तो नहीं लेकिन वर्चुअली फोकस बनेगा बैक ऑफ द लेंस, लेंस की पिछली साइड पर। तो ये प्रिंसिपल फोकस है इसका, प्रिंसिपल फोकस जिसे कैपिटल एफ से जाहिर करते हैं। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसका फासला देखा जाए तो वो भी क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल फोकस का फासला क्या है, फोकल लेंथ, दैट इज फोकल बचो लेंथ, फोकल लेंथ है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से वर्चुअल फोकस का फासला। अब बच्चे इसके लिए अगर आपने पावर फाइंड करनी है, फ़र्क सिर्फ इतना है जैसे हमने नंबर लाइन में पढ़ा है बच्चों, इस तरफ नंबर पॉजिटिव, इस तरफ नंबर नेगेटिव। अगर फ़र्ज़ कीजिए इसकी जो यहाँ पे फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ का ऑफ कोर्स जवाब क्या आना है, अगर रेज के अपोजिट फोकस बने तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, याद रखिएगा। अगर रेज की सिमत में फोकस बने, रेज इसी तरफ आ रही है, फोकस भी उनके रस्ते में बना, दैट इज़ एफ पॉजिटिव, और अगर रेज के अपोजिट फोकस बने एफ इज़ नेगेटिव। तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ फ़र्ज़ करिए माइनस टेन है, जैसे नंबर लाइन में अगर इस पॉइंट से पीछे की तरफ होगा तो नेगेटिव में वैल्यूज होंगी, जीरो से पीछे, तो -10 सेंटीमीटर है। डिवाइड करिए तो फर्ज कीजिए इसका है -0.1,
मीटर, अगर इसकी मैं पावर कैलकुलेट करूंगा तो इसी तरीके से क्या आंसर आएगा, -10 पर मीटर या 10 -10 डाइऑप्टर। इसका मतलब ये साबित हुआ कि जो कनकेव लेंस हैं उनकी पावर नेगेटिव हुआ करती है जबकि कन्वेक्स लेंसेज की पावर पॉजिटिव हुआ करती है। अगर आप यहाँ देखें, मैं इसकी यही मिसाल देनी थी, ये थोड़ा बड़ा कनकेव लेंस है, ये लाइट रेज को डाइवर्ज ही करेगा, लेकिन जब लाइट रेज को पीछे जाके देखा गया, लाइट रेज को क्या किया गया, पीछे जाके देखा गया, तो थोड़ा पीछे जाके यहाँ पे कहीं क्या हो रही थी, फोकस हो रही थी वर्चुअली। तो इसकी जब मैं फोकल लेंथ मालूम की, वर्चुअल फोकल लेंथ मालूम की नेगेटिव में, वो फोकल लेंथ कितनी आई, बिल्कुल इसी तरह से -20 क्योंकि पीछे की तरफ है, रेज के बिल्कुल अपोजिट है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, लेंस के पीछे है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। -20 जब पुट करूंगा एफ की जगह, -20 सेंटीमीटर, मीटर बनाइए 20/100, -0.2 मीटर, जब ये मैं पावर के फार्मूले में दर्ज करता हूँ तो आंसर विल बी -5 पर मीटर या -5 डाइऑप्टर। तो इससे क्या पता चला कि पावर ऑफ कनकेव लेंसेज इज ऑलवेज नेगेटिव एंड पावर ऑफ कन्वेक्स लेंसेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पावर क्या डिटरमिन करती है, लेंस का क्या बताती है, कि वो लाइट रेज को कितना फोकस करेगा, लाइट रेज को कितना फोकस करेगा। 1 डाइऑप्टर अब कब होता है, अगर आपके पास फोकल लेंथ 1 मीटर हो, बच्चों अगर फोकल लेंथ कितनी हो, अगर फोकल लेंथ 1 मीटर हो तो पावर का आंसर क्या आएगा, 1/1 मीटर, दैट इज 1 पर मीटर यानी 1 डाइऑप्टर। पावर 1 डाइऑप्टर कब बनती है, जब किसी लेंस की फोकल लेंथ 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर की बजाय 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर हो, तो उस लेंस की पावर क्या होगी, 1 डाइऑप्टर। जैसे हमसे पूछता है 1 न्यूटन कब होगा, 1 मीटर पर सेकंड स्केयर एक्सेलरेशन कब होगा, इसी तरह से कोई पूछे पावर 1 डाइऑप्टर किसी लेंस की कब है, जब उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, इतना सा होता है 1 मीटर। अगर कोई लेंस इतनी दूर अपनी रोशनी को फोकस करेगा तो उस लेंस की पावर 1 डाइऑप्टर है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपकी कन्फ्यूजन्स दूर हो चुकी होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुकी होंगी पावर के मुतल्लिक, जो भी इसने बुक के अंदर लिखा, जो भी इसने हमें बताया, सुपरफिशली बताया हो या हमें डिटेल से बताया हो, हमने उन हर चीज़ को देख लिया कि क्या इस पावर के टॉपिक के अंदर है। तो इसी के साथ बच्चों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा, लेक्चर को ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।